और उम्मीद है तो प्राप्ति भी उतनी है। एंड यू ऑल्सो मेक अटेनमेंट्स टू द एक्सटेंट यू हैव होप। जितनी उम्मीद अंदर में भरी हुई होगी उतनी ही प्राप्ति करेंगे। द मोर यू आर फुल ऑफ होप विद इन यू विल मेक अटेनमेंट्स टू दैट एक्सटेंट। और उम्मीद उतनी ही अंदर में भरेगी जितनी पढ़ाई पड़ी होगी। एंड यू विल बी फुल ऑफ होप विद इन ओनली टू द एक्सटेंट यू हैव स्टडीड द नॉलेज। ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा तो उम्मीद भी नहीं प्राप्त करेंगे। इफ यू हैडंट पेड अटेंशन टू द ईश्वरीय स्टडी यू वोंट हैव होप्स ईदर। तो वो पढ़ाई का नशा रहता है। सो डू यू हैव द इलेशन ऑफ दैट स्टडी। उम्मीद का नशा रहता है। डू यू हैव द इलेशन ऑफ होप। उम्मीद के बल पर दुनिया चलती है। द वर्ल्ड रन्स ऑन द बेसिस ऑफ होप। रहता तो है बीच बीच में थोड़ा टाइम आता है। यू डू हैव इट। यू हैव इट फॉर सम टाइम इन बिटवीन। पुरुषार्थ करते हैं। बिकॉज यू मेक पुरुषार्थ। लेकिन ये सदा नशा सदा रहे। हाउएवर यू शुड हैव दिस इलेशन फॉर एवर। इसका अभी अभ्यास चाहिए। यू नीड दिस प्रैक्टिस नाउ। थोड़ा अटेंशन लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अ लिटिल अटेंशन। किस बात में अटेंशन लेना पड़ेगा। वॉट विल यू हैव टू पे अटेंशन टू। अरे पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दिया है इसलिए उम्मीद भी कम रहती है। अरे यू डिंट पे अटेंशन टू द स्टडी दिस इज वाई यू हैव लेस होप्स। ईश्वरीय पढ़ाई है दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई। सुप्रीम गॉड फादर पढ़ा रहा है। इस बात पर निश्चय रहना चाहिए। यू शुड हैव फेथ इन दिस कॉन्सेप्ट दिस इज द ईश्वरीय स्टडी इट इज द हाइएस्ट स्टडी ऑफ द वर्ल्ड द सुप्रीम गॉड द फादर इज टीचिंग इट। पढ़ाई है ना ईश्वरीय। इट इज द ईश्वरीय स्टडी इजंट इट। पढ़ाई में तो अटेंशन दिया जाता है ना। यू सर्टेनली पे अटेंशन टू द स्टडी डोंट यू। और फिर ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई। एंड दिस इज डेफिनेटली द ईश्वरीय स्टडी। कोई देहधारी धर्म पिता धर्म गुरु की पढ़ाई तो नहीं है। इट सर्टेनली इजंट द स्टडी ऑफ सम बॉडीली रिलीजियस फादर और द रिलीजियस गुरु। ये तो निराकार गॉड फादर सुप्रीम गॉड फादर की पढ़ाई है। इन फैक्ट दिस इज द स्टडी ऑफ द इनकॉर्पोरियल गॉड द फादर दैट इज द सुप्रीम गॉड द फादर। जो आपको अनुभव नहीं है ना। यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस डू यू। इसलिए उम्मीद हिल जाती है। दिस इज वाई योर होप वेवर्स।